सो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सोल्यूशंस एंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बेसिक कंसनट्रेशन टर्म्स नॉर्मैलिटी मोलैरिटी मोलैलिटी एंड ऑल उनके फॉर्मूलाज कैसे हैं अब इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अ नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि उन कॉन्सेप्ट को या उन फॉर्मूलाज को किस तरह से आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे तो so, देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलेलिटी तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में ये एक रिलेशन है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास मोलैरिटी और डेंसिटी दी गई है तो आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्मॉल एम से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं तो स्मॉल एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी कैपिटल एम इज मोलैरिटी डी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर एम तो ये ध्यान रखना कि यूनिट्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए एंड डब्ल्यू वन इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम तो ये जब आप वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो मोलेलिटी आएगा वन थाउजेंड मल्टीप्लाइम मोलैरिटी डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ अ वन पॉइंट टू मोलर एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.4 पॉइंट फोर ग्राम पर एम एल तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो मोलेलिटी की वैल्यू कितनी होगी देखिए 1000 थाउजेंड इंटू डेंसिटी इज वन पॉइंट फोर ग्राम पर एम एल में ही दी गई है डिवाइड बाय वन थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फोर माइनस मोलेलिटी इज वन पॉइंट टू एंड एच टू एसओ फोर का मॉलिकुलर वेट ग्राम्स में कितना होता है नाइन्टी एट ग्राम्स तो ये सॉल्व अगर आप करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.865 दैट इज और मोलेलिटी के क्या होते हैं दिस इज मोल पर किलोग्राम अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 5 ग्राम ऑफ एनएसएल इज डिजॉल्व इन वन थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज पॉइंट नाइन नाइन सेवन ग्राम पर सी सी देखिए सी सी इज वन एम एल ठीक है तो ये कंफ्यूज नहीं होना है तो कैलकुलेट द मोलैलिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे आप मेन स्ट्रेटजी क्वेश्चन सॉल्व करने की है कि जो भी आपके पास गिवन डेटा है और जो आपको फाइंड आउट करना है उन दोनों के बीच में आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी तो देखिए मोलैरिटी की अगर हम या मोलैलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए ठीक है सॉल्वेंट कितना दिया गया है ये किलोग्राम में हमारे पास है वन किलोग्राम सॉल्वेंट दिया गया है मोलैरिटी के लिए भी हमें मोल्स चाहिए और हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये अगर आपके पास डेटा आ गया मोल्स का तो मोल फ्रैक्शन तो आप डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको सिर्फ मोल्स चाहिए तो सबसे पहले देखिए हमें मोल्स भी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए तो पहले मोल्स से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मोल्स ऑफ एन कितने आ जाएंगे देखिए एन ऑफ एन सी एल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है फाइव ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव फोर मोल्स अब सेकंड इज मोलैलिटी देखिए मोलैलिटी की वैल्यू क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम यहां देखें तो ये हमने कैलकुलेट अभी किए हैं 0.0854 और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो देखिए 1000 थाउजेंड ग्राम दैट इज वन किलोग्राम तो ऑलरेडी वन है तो यही मोलैरिटी की भी वैल्यू यहां पर आ जाएगी मोल पर किलोग्राम में अब थर्ड इज मोलैरिटी अब मोलैरिटी में जो थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी आएगा डेंसिटी आपको दी गई है अब एक तरीका तो है कि जो अभी हमने फॉर्मूला ही डिस्कस किया है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में वो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी आपको यहां पर गिवन है बट सपोज अगर आपको वो फॉर्मूला भी नहीं याद क्योंकि जनरली एग्जाम में बच्चों को फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं तब आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या यूज करते हैं फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिडेड बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन में आपका सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है तो यहां पर स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कर जाते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन में वो सिर्फ सोलवेंट को कंसिडर करते हैं यहां पर सॉल्यूट ज्यादा नहीं दिया गया सिर्फ पांच ग्राम है बट सपोज आप वन थाउजेंड प्लस फाइव ग्राम की जगह सिर्फ वन थाउजेंड करते हो तो यहां पर बहुत बड़ा एरर नहीं रहेगा बट अगर आपको फाइव ग्राम की जगह फिफ्टी ग्राम एन एस सी एल दिया हो तब यहां पर आपका एरर बड़ा हो सकता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखिए इसमें सॉल्वेंट आपका 1000 ग्राम है प्लस 5 ग्राम एन है तो ये वो टोटल और डेंसिटी आपको दिए गए जीरो पॉइंट तो ये आप सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 1008 थाउजेंड इज इक्वल टू 1.008 पॉइंट लीटर्स तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया अब आप मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.0854 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स 1.008 तो आ जाएगा आपके पास 0.085 मोलर ठीक है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे क्योंकि डेंसिटी भी इज क्लोज टू वन और यहाँ पर हमने जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज फाइव ग्राम वो भी बहुत कम है अब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन अगर NaCl की होगी तो एन के मोल्स कितने यहां यहाँ पे 0.0854 डिवाइड टोटल मोल्स अब टोटल मोल्स में NaCl के प्लस वाटर के वाटर के मोल्स कितने हैं देखिए 1000 ग्राम है डिवाइड बाय मॉलिक वेट 18 तो ये बनता है 55.5 तो ये आपके पास आ जाएगा 1.53 पॉइंट फाइव थ्री इन टू टेन टू पावर माइनस थ्री तो NaCl का मोल फ्रैक्शन निकल गई अब हमारे पास दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है वाटर, क्योंकि इट्स अ बाइनरी सोल्यूशन वाटर है और एनएससीएल है तो वन माइनस कर देंगे अगर आप तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप जस्ट वन माइनस वन पॉइंट फाइव थ्री टू टेन और माइनस थ्री कर सकते हैं और आपके पास आंसर इसका भी आ जाएगा ओके सो दैट सॉल्व द प्रॉब्लम तो बेसिकली फिर से अगर आप देख लीजिए कि हमारे पास जो भी गिवन डेटा है उसको कंपेयर करना है कि अननोन के लिए आपको फिर नया क्या चीज अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उनमें से जो सबसे इजी चीज है उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें और यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपको मैक्सिम बुक्स में ये मिलेगा तो मोलैरिटी ऑफ वाटर एक वैल्यू है जिसको आप याद भी रख सकते हैं देखिए मोलैरिटी ऑफ वाटर तो जब भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब जब आप प्योर वाटर की बात कर रहे हो तो प्योर वाटर में वाटर ही सॉल्यूट है वाटर ही सॉल्वेंट भी है तो अगर वो सॉल्यूट भी वही है और हम लेते कितना है सपोज एक लीटर ठीक है हम लेते हैं एक लीटर वाटर हम ले लेते हैं तो एक लीटर का टेक वन लीटर वॉटर तो वो अप्रोक्सीमेटली 1000 थाउजेंड ग्राम होगा अप्रोक्सीमेटली अगर डेंसिटी को हम वन ग्राम पर एमएल लेते हैं तो एक लीटर का वेट अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड ग्राम होगा और वन थाउजेंड ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएंगे वाटर के वन थाउजेंड ग्राम में थाउजेंड डिवाइड बाई एटीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब क्योंकि वाटर ही सॉल्यूट है यही सॉल्वेंट है तो एक लीटर ही हमने लिया गया तो डिवाइड बाई वन तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 55.55 मोल पर लीटर के मतलब एक लीटर पानी में उसके 55.55 मोल्स .55 होते हैं ठीक है तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपको काफी बुक्स में ये मिल जाएगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सी वाटर इज टिपिकली 3.5 परसेंट सी सॉल्ट एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ अबाउट 1.03 ग्राम पर एम तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सी सॉल्ट वुड बी नीडिड टू प्रिपेयर इनफ सी वाटर सोल्यूशन टू कंप्लीटली फिल अ 62.5 लीटर एक्वेरियम तो आपको एक तो परसेंटेज दी गई है 3.5 परसेंट ठीक है और क्योंकि सी सॉल्ट ये एक सॉलिड सॉल्यूट है तो जो आपको परसेंटेज है वो बाय डिफॉल्ट हम उसको वेट बाय वेट में ही मान के सॉल्व करते हैं डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दी गई है ठीक है तो ये कह रहा है कि परसेंटेज अगर सी सॉल्ट की देखी जाए तो वो 3.5 परसेंट है और उसकी सी वाटर में सी वाटर की जो डेंसिटी है वो 1.03 ग्राम पर एम है तो कितना ग्राम आपको सी सॉल्ट चाहिए अगर हमें 62.5 लीटर का बड़ा एक्वेरियम को भरना हो इस सी वाटर से मतलब इस कंसंट्रेशन वाले सी वाटर से तो देखिए बिल्कुल पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक जो आपको दिया गया है उसका मतलब क्या है थ्री पॉइंट फाइव परसेंट सी सॉल्ट का मतलब क्या है तो इसका मतलब हो गया कि वी हैव थ्री पॉइंट फाइव ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन कितना हंड्रेड ग्राम क्योंकि वेट बाय वेट ले रहे हैं इसको बाय डिफॉल्ट हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन ठीक है इट इज वेट बाय वेट तो मतलब वो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए 3.5 ग्राम सॉल्ट आपको चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली सिंपल तरीके से कि 100 ग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्स 3.5 ग्राम सॉल्ट तो अगर आपको 62.5 लीटर बनाना हो तो कितना होगा अब देखिए 62.5 लीटर को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आप वेट को रिलेट कर रहे हो कि 100 ग्राम के लिए इतना तो 62.5 लीटर के लिए नहीं आप कर सकते हैं। आपको उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो इसका मास कितना हो जाएगा डेंसिटी इन वॉल्यूम तो मास ऑफ दिस सिक्सटी लीटर सी वाटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 62.5 इनटू 1.03 इनटू 1000 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पर ये फिर एम में आ जाएगा मिली में ठीक है और ये मिली में रहेगा डेंसिटी आपको किस में दी गई है ग्राम पर मिलीलीटर में तो वॉल्यूम को भी मिलीलीटर में रखना चाहिए तो आपको 62.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेंटेन यूनिट्स तो अब आप बोल सकते तो हो कि ये टोटल कितना सॉल्यूशन इतने सॉल्यूशन को कितना सॉल्ट चाहिए 3.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री तो कभी भी कैलकुलेशन को आपको बार बार नहीं करना है आपको लास्ट स्टेप तक क्वेश्चन को एज इट इज लिखते जाना है जितनी भी लंबी कैलकुलेशन बन जाए उसको सॉल्व एक ही स्टेप में करना है उससे क्या होगा अगर आप उस स्टेप में गलती करते हैं तो आप उसी स्टेप को रिवाइज करके करेक्ट कर सकते हैं बट अगर आपने ऊपर के तीन स्टेप्स में भी कुछ कैलकुलेशंस की हैं और वहां कोई छोटा सा एरर था तो आपको वो एरर लास्ट स्टेप में नहीं मिलेगा आपको पूरा क्वेश्चन फिर से रिवाइज करना पड़ेगा ओके तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा टू पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू पावर थ्री ग्राम सी सॉल्ट रिक्वायर्ड कि इतना सी सॉल्ट आपको चाहिए तब आप सिक्सटी टू पॉइंट फाइव लीटर के एक्वेरियम को इस कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से फिल कर सकते हैं ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलेरिटी ऑफ अ सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ थर्टी परसेंट वेट ऑफ एच डो फोर एंड 70 परसेंट वेट ऑफ एच मतलब हम दो डिफरेंट डिफरेंट एच सॉल्यूशन फोर सोल्यूशन लेंगे एक की डेंसिटी होगी 1.218 ग्राम पर एम और दूसरे की होगी 1.610 ग्राम पर एम दोनों से बराबर वॉल्यूम सैंपल उठाएंगे सपोज दोनों से आपने 100 100 एम ले लिया या 200 और 200 हंड्रेड ले लिया तो दोनों से बराबर वॉल्यूम्स को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे हम और उसकी मोलैलिटी और मोलैलिटी आपसे पूछी गई है ठीक है तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा डेंसिटी भी दी है परसेंटेज बाय वेट भी है और आप मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन भी बना रहे हो तो वहाँ पर मोल कंजर्वेशन भी यूज़ होगा तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब तक आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम आपको उसको बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहिए तो मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट कंटेनर्स दिए गए हैं तो फर्स्ट कंटेनर में आपका है थर्टी परसेंटेज एच टो सो फोर सोल्यूशन और जो आपका दूसरा कंटेनर दिया गया है इसमें रखा गया है सेवेंटी परसेंट एच टो सो फोर सोल्यूशन पहले वाले की डेंसिटी कितनी है देखिए वन पॉइंट टू वन एट ग्राम पर एम और दूसरे की डेंसिटी है वन पॉइंट सिक्स वन जीरो ग्राम पर एम तो आपको मोलैलिटी निकालनी है और मोलैरिटी उसके लिए क्या चाहिए आपको आपको चाहिए फाइनल सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स किसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के सॉल्यूट क्या है एच टू एसओ फोर ठीक है अब देखिए अब मैं क्या करता हूं मैं दोनों से बराबर बराबर वॉल्यूम को ले लूंगा अब थर्टी परसेंट एच टू फोर का मतलब क्या हुआ थर्टी ग्राम एच टू फोर इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन, वैसे ही इसका मतलब हुआ 70 ग्राम एच टू इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब दोनों से अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं ठीक है फाइनल आपने एक कंटेनर रखा है दोनों से इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो मान लीजिए अपनी मर्जी की कुछ भी वॉल्यूम ठीक है मान लीजिए हमने 100 एमएल यहां से लिए और 100 एमएल हमने यहां से भी लिए अब हंड्रेड एम ये जो 100 एम हमने लिया इसमें भी कुछ एच आएगा और वो इसमें ऐड होगा इस 100 एम से भी कुछ एच आएगा वो इसमें ऐड होगा तो वो टोटल मोल्स एच के बन जाएंगे और ये कितनी वॉल्यूम हो गई 100 एम ऐड करके आइडियल कंडीशंस में 200 हंड्रेड तो वॉल्यूम आपको मिल गई अगर आप ये दोनों के हंड्रेड हंड्रेड एम से कितने कितना एच आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ H2SO4 के मोल्स भी आ जाएंगे ठीक है अब यही आपको कैलकुलेट यहां पर करना है तो देखिए 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ और डेंसिटी है 1.218 ग्राम पर एम तो 100 एम का वेट कितना हुआ ये जो 100 एम आपने लिए आपने एक्चुअली कितना डाला एक ग्राम या एक एम का वेट है 1.218 ग्राम तो 100 एम का वेट कितना होगा 1.218 पॉइंट टू वन एट मल्टीप्लाई हंड्रेड दैट इज वन ट्वेंटी ग्राम इस 100 एम का वेट कितना होगा दिस इज 161 ग्राम ठीक है तो 121.8 ग्राम में कितना H2SO4 होगा अगर 100 ग्राम में हंड्रेड ग्राम हैज थर्टी ग्राम एच टू सो फोर तो वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट ग्राम में कितना होगा थर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट इतने ग्राम एच टू सो फोर ठीक है तो ये कितना आएगा याद आएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम एच टू सो फोर तो मतलब ये जो सौ एम एल आप डाल रहे हो इनसे 36.5 ग्राम एच गया है फाइनल कंटेनर में अब वैसे ही इस 161 से कैलकुलेट करते हैं देखिए 100 ग्राम में है 70। तो 100 ग्राम कंटेन्स 70 ग्राम एच 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन। तो 161 ग्राम में कितना होगा 70 डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू वन सिक्सटी वन दैट इज वन ग्राम तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं फाइनली के टोटल एच टू सो फोर इन फाइनल सोल्यूशन कितना होगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव प्लस वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट सेवन ग्राम देट इज वन फोर्टी नाइन पॉइंट टू फोर ग्राम और मोल्स ऑफ एच टू सो फोर के कितने आ जाएंगे वेट आपको मिल गया 149.24 डिवाइड करेंगे उसको मॉलिकुलर वेट से तो मोल्स आ जाएंगे 1.523 अब मोलैरिटी ऑफ एच टूसो मोलैरिटी क्या होगी फाइनल सॉल्यूशन की कितने मोल्स हैं 1.523 और वॉल्यूम कितनी है 200 हंड्रेड एम दैट इज कितना लीटर 0.2 लीटर तो यह आ जाएगा आपके पास 7.6 मोलर तो मोलैरिटी हमने निकाल दी अब आपको निकालनी है मोलैलिटी तो मोलैलिटी के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी अप्रोच को यहां पे क्योंकि मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट ठीक है अब देखिए सॉल्वेंट के वेट के लिए टोटल अगर आप देखें टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास तो हमेशा कंजर्व रहता है ठीक है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे मूव करते हैं बिकॉज वी नीड मोर स्पेस तो देखिए एज पर मास कंजर्वेशन कि अगर मैंने 100 ग्राम ए डाला और 100 ग्राम बी डाला तो 200 ग्राम ही मिलेगा हमें ठीक है तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन जो आपको मिला है वो कितना होगा उसका टोटल वेट तो यहां से लेफ्ट साइड से जो आया ये 121.8 ग्राम था राइट right साइड से आया 161 था तो टोटल आप उसको ऐड करोगे तो ये आएगा 282 ग्राम तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन आया था अब इस 282 एटी में से सॉल्वेंट कितना है बता सकते हैं आप मतलब टोटल वेट हो गया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मिला के 282 और सॉल्यूट हमने अभी कैलकुलेट किया कि H2SO4 का टोटल वेट कितना है 149.24 तो ये था 149.24 तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सॉल्वेंट एक्चुअली कितना है 133.5 ग्राम तो जो मोलैलिटी है वो कितनी होगी नंबर ऑफ मोल्स वन पॉइंट फाइव टू थ्री डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स तो किलोग्राम में अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री फाइव किलोग्राम और ये आ जाएगा आपके पास इलेवन पॉइंट फोर तो दिस इज योर मोलैलिटी तो क्या ध्यान रखना है दोनों जो हमने ऐड किए तो मास कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया कि अगर यहां से 121.8 ग्राम था ये 161 था तो टोटल टू ट्वेंटी टू हुआ उसमें 36.5 ग्राम एच सॉल्यूट इस वाले में है 161 में 112.7 ग्राम सॉल्यूट है तो टोटल सॉल्यूट को सॉल्यूशन के वेट से माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का वेट बचेगा ठीक है तो ये इसकी डिटेल्ड अप्रोच है तो अगर आप इस अप्रोच से इसको सॉल्व करके अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसका एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी काम आप माइंड में ही सॉल्व उसको कर सकते हैं आपको ये इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ करने की या इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एन ए बी आर आर नीडेड टू प्रिपेयर टू फिफ्टी ग्राम ऑफ वन पॉइंट जीरो जीरो परसेंटेज वेट बाई वेट एन ए बी आर सोल्यूशन इन वाटर एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच टू ओ आर नीडेड हाउ मेनी एम एल ऑफ एच टू आर नीडेड इफ डेंसिटी ऑफ द वॉटर एट रूम टेम्परेचर इज पॉइंट नाइन नाइन एट ग्राम पर एम एल तो क्या दिया गया कि हमें क्या बनाना है एन ए बी आर सोल्यूशन बनाना है अब एनए बी आर सोल्यूशन बनाना है तो एनए बी आर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए ठीक है तो वही पूछा है कि कितना ग्राम एन ए बी आर चाहिए और कितना ग्राम वाटर चाहिए बनाना कितना है फाइनली टू फिफ्टी ग्राम किस कंसेंट्रेशन का वन परसेंट वेट बाय वेट का ठीक है डेंसिटी भी दी है तो जब भी आपको परसेंटेज में दिया होता है वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम उसको डिटेल में एक बार लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि दिया एग्जैक्टली exactly क्या है तो वन परसेंट वेट बाय वेट का मतलब है कि वन ग्राम ऑफ एन ए बी आर इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन ठीक है तो अगर एक ग्राम हंड्रेड ग्राम में है और सोल्यूशन है वो हम यहां पर वेट बाय वेट से चल रहे हैं तो मतलब इसका क्या हुआ वन ग्राम एन और वाटर कितना होगा 99 नाइन ग्राम क्यों होगा क्योंकि ये वेट बाय वेट है मास इज़ ऑलवेज़ कंजर्व तो सौ ग्राम बनाने के लिए आपको वन प्लस नाइनटी नाइन ही करना पड़ेगा तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया ना कि हंड्रेड ग्राम के लिए अगर वन ग्राम चाहिए तो फॉर टू फिफ्टी ग्राम सोल्यूशन कितना चाहिए आपको 2.5 ग्राम एन ठीक है और जब आपके पास 100 ग्राम था उसके लिए 99 वाटर थे तो 250 में वाटर कितना हो जाएगा देखिए वाटर रिक्वायर्ड विल बी टोटल 250 फिफ्टी माइनस सोल्यूट टू कितना हो जाएगा 247.5 ग्राम अब तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर था ये भी निकल गया हाउ मेनी एम अब देखिए वाटर का आपको डेंसिटी भी दी है उसका मास भी दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी तो मास कितना है टू पॉइंट फाइव और देखिए मास आपको ग्राम में दिया गया इसलिए डेंसिटी भी किस में लेनी है ग्राम पर एमएल में लेंगे आप 0.998 ग्राम पर एमएल तो ग्राम ग्राम कैंसिल और किस में आ जाएगा आंसर मिलीलीटर में तो आ जाएगा 251 फिफ्टी वन एम तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन था बट आपको जैसे ही ये लाइन आपने लिखी वन परसेंट वेट बाय वेट आपको क्लियर हो गया कि हंड्रेड ग्राम के लिए वन चाहिए तो टू हंड्रेड के लिए टू ग्राम चाहिए टू फिफ्टी के लिए टू पॉइंट फाइव चाहिए ओके okay? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वट मास ऑफ थर्टी सेवन परसेंट वेट बाय वेट एच सी एल सोल्यूशन कंटेन सेवन पॉइंट फाइव ग्राम एच सी एल यहां पर भी जब भी आपको परसेंटेज दिया होता उसको आपने एक्सप्लेन करके लिख लेना है थर्टी सेवन परसेंट वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि थर्टी सेवन ग्राम एच सी एल इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन ठीक है तो हंड्रेड ग्राम में थर्टी सेवन मिलता है तो कितने ग्राम सोल्यूशन में सेवन पॉइंट फाइव मिलेगा तो क्या होगा तो हंड्रेड ग्राम में थर्टी सेवन था तो एक ग्राम में कितना होगा थर्टी सेवन बाय हंड्रेड और या सॉरी उल्टा कर लिया हमने तो थर्टी सेवन ग्राम के लिए हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन लगता था तो वन ग्राम के लिए कितना लगेगा 100 बाय 37 और 7.5 ग्राम के लिए कितना लगेगा 100 बाय 37 सेवन इंटू इतने ग्राम सॉल्यूशन दैट इज 20 ग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स आई होप के आपके सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स इनमें ठीक है एक्सेप्ट पी पी एम एंड पी ऑलमोस्ट बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस कर ली प्रैक्टिस कर ली बाकी आप कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स डिसेंट बुक्स से आप अपनी टेक्स्ट बुक्स से एनसीआर से देख के उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट वी मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि सॉलिबिलिटी को आपको ऑर्गेनिक में भी अप्लाई करना है आपको इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई करना है ठीक है तो मैंने ये कह रहा कि ये यही सॉल्यूबिलिटी के फॉर्मूलाज आप वहाँ अप्लाई करेंगे बट द कॉन्सेप्ट इज सेम इसकी एप्लीकेशन फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों में डिफरेंट होगी बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूबिलिटी इज सेम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या दो लिक्विड आपस में सॉल्यूबल थे नहीं थे सॉल्यूबिलिटी इन दो में से किस में ज़्यादा होगी किस में नहीं होगी क्यों होगी ओके okay? तो इस पर हम थोड़ा ध्यान से इस पर फोकस करें देखिए सॉलिबिलिटी क्या होती है अब अगर आपको मैं एक गिलास पानी का दूं और उसमें हम क्या डालेंगे नमक क्योंकि सबसे सस्ता मिलता है और सबसे कॉमन एग्जांपल है तो देखिए एक गिलास पानी में अगर हम नमक डालना स्टार्ट करें मान लीजिए आपके पास 250 सौ पानी था और आपने उसमें पांच ग्राम नमक डाल दिया पांच ग्राम डिजोल्व हो गया मतलब आप उसको चम्मच से हिला भी रहे हैं उसको डिजोल्व भी कर रहे हैं पांच ग्राम डिजोल्व हो गया अब मैंने किया कि पांच ग्राम सपोज और डाल दिया वो भी डिजोल्व हो गया अब मैं डालता गया नमक कब तक जब तक नमक उसमें घुलना बंद ना कर दे ठीक है तो मान लीजिए कि टोटल 20 ग्राम उसमें डिजोल्व हुआ अब जो मैंने और भी थोड़ा सा डाला वो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा इसका मतलब हुआ कि उतने से पानी में कितने में 250 सौ पानी में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी मेरा रूम टेम्परेचर वहां पर रहेगा उस टेम्परेचर पे मैं 20 ग्राम से ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर पा रहा हूँ सो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज कॉल सॉलिबिलिटी मतलब अभी मेरे पानी की सोलिबिलिटी बीस ग्राम पर टू फिफ्टी एम एल वाटर है ठीक है मैं उसको ऐसे स्पेसिफाई करूंगा बट बेसिकली जो यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं वो होते हैं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कि हंड्रेड ग्राम अगर आप सॉल्वेंट लें तो उसमें कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है तो मान लीजिए मैंने हंड्रेड ग्राम ही पानी ले लिया और हंड्रेड ग्राम पानी में मान लीजिए कि बारह ग्राम ही डिजॉल्व हुए एन के उससे आगे डिजोल्व हो ही नहीं रहा तो बारह ग्राम उसकी क्या आ जाएगी सॉलिबिलिटी तो आपको क्लियर हो गया तो सोलिबिलिटी वो वैल्यू है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजोल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में यह मत बोलना कि पानी में मैक्सिमम 20 ग्राम ही डिजोल्व कर सकते हैं वो मैं 250 फिफ्टी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में ठीक है अगर आप पानी का अमाउंट डबल कर देंगे बाल्टी ले लेंगे पानी के भर के तो ऑब्वियसली बात है उसमें ज्यादा एनएसएल आप डिजोल्व कर पाएंगे ठीक है तो कितना सॉल्वेंट है ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी है और किस टेम्परेचर पर है ज्यादा हीट अप करेंगे उसको पानी गर्म होगा तो ज्यादा एन उसमें डिजोल्व हो पाएगा ओके okay? तो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट सोल्यूट हैिटीज जैसे एन ए सी को देखें तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है सॉलिबिलिटी की दैट इज 39.12 ग्राम पर 100 एम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 एम वाटर में 39.12 ग्राम डिजोल्व होता है जबकि ए सिर्फ पॉइंट ग्राम डिजोल्व होता है दोनों क्लोराइड्स हैं ठीक है, दोनों का फॉर्मूला भी सिमिलर है बट स्टिल दोनों की सॉल्युबिलिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है तो डिफरेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज तो सॉल्यूबिलिटी का अगर हम यहां पर फॉर्मूला लिखें, तो फॉर्मूला क्या होगा देखिए सॉल्युबिलिटी इट विल बी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट ठीक है या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन टू ये है आपके पास सॉल्यूबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला जब आप इसको ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ले रहे हैं अगर आप पर हंड्रेड एम में ले रहे हैं तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की जगह आप एमएल दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला अब कभी आपने ये सोचा है कि एन जो कि एक आयनिक सॉलिड है क्या है NaCl एक आयनिक सॉलिड और आयनिक बॉन्ड्स हमने सुना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो आयनिक सॉलिड को अपने पानी में डाला और वो एकदम से आयन सेपरेट हो गए एन ए पॉजिटिव अलग हो गया सी एल नेगेटिव अलग हो गया तो ऐसा क्यों हुआ ठीक है काफी मतलब काफी टिपिकल सिनेरियो है कि सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होने के बावजूद वो टूट गया जबकि आप किसी कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड को उसमें डालें पानी में वो नहीं टूटता कार्बन डाइऑक्साइड में कोवलिन बॉन्ड होते हैं सी एच फोर में मिथेन में कोविलन बॉन्ड है सीएच फोर गैस को पास करो पानी से वो तो अपने आयंस में नहीं ब्रेक होती है, अपने कॉन्स्टिच्युएंस में ब्रेक नहीं होती पर एनई सी एल इतने स्ट्रांग बॉन्ड्स के बाद भी क्यों सेपरेट हो गया पहला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन चलिए सेपरेट हो भी गया अब क्योंकि दोनों आयंस हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है दोनों के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेज तो होनी चाहिए तो दोनों को वापस जुड़ जाना चाहिए ठीक है ऐसे तो एन बनाते हैं आप कि एन ए पॉजिटिव गैसेस प्लस सीएल तो अब यहां पर डिफरेंस क्या आ गया कि एन और एन पॉजिटिव और सीएल गैसेस नहीं बचे ये हैं एक्वस आयंस हाइड्रेटेड आयंस पानी में डालने पे क्या हुआ ये हाइड्रेटेड हो गए देखिए अब इस डायग्राम में यहां पर आप देख सकते हैं कि एन पॉजिटिव क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको चारों तो तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है और जो रेड पोर्शन है दैट इज ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास ऑक्सीजन के पास आपको पता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज सोडियम के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स को घेर लेंगे और इसमें जो फोर्सेस बनेंगी ये कौन सी बनेंगी आयन डाइपोल फोर्सेस जो कि 40 से लेकर 600 किलो जूल पर मोल तक स्ट्रांग हो सकती हैं ठीक है तो ये देखिए बहुत स्ट्रांग फोर्सेज यहां पर आ गई अब इसी तरह से सीएल नेगेटिव को भी कौन घेर लेगा सीएल नेगेटिव को घेर लेंगे हाइड्रोजन्स क्योंकि हाइड्रोजन्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो चारों तरफ से सीएल नेगेटिव को अट्रैक्ट करके घेर लेंगे तो वहां पर भी ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन बनेगी इसी वजह से इसी वजह से एनएसएल अलग हुए क्योंकि ये इस हाइड्रेशन प्रोसेस में स्टेबलाइज हो रहे हैं अब आप बोलेंगे कि दोनों वापस कंबाइन क्यों नहीं हुए क्योंकि एन ए पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से अब दोबारा कंबाइन होना है तो एन ए पॉजिटिव को ये सारे की सारी अट्रैक्शन को तोड़ के इस केज से इस केज लाइक -like स्ट्रक्चर से बाहर निकलना पड़ेगा उतनी एनर्जी इसके पास नहीं है कि ये सारे बॉन्ड तोड़ दे इसलिए ये दोबारा कंबाइन भी नहीं हो सकते ठीक है तो इसलिए एनए सीएल डिजोल्व होता है क्योंकि वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन बनाता है वाटर के साथ जो कि स्ट्रांग होती है अब देखिए सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है इसकी ऑक्सीजन मिथेनॉल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है तो इसी तरह से मिथेनॉल पानी में डिजोल्व होता है फिर डाइपोल डाइपोल ये इथेनल है ये क्लोरोफॉर्म है तो एक डाइपोल इसमें है इथेनॉल में एक क्लोरोफॉर्म है इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल ये हेक्सेन है हेक्सेन में पहले से कोई डाइपोल नहीं है बट क्लोराइड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रीऑर्गेनाइज कर देगा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिससे हेक्सेन के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी तो क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है तो ये बहुत वीक फोर्सेस होंगे तो थ्री टू फिफ्टीन तो बहुत वीक हैं इसकी फोर्सेस अब देखिए ये है यहां पर एग्जांपल कि आपके पास जब एक कैटायन होता है तो पानी में होता क्या है तो पानी में देखिए इसको इमीजिएटली वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीजन ये जो है ये ऑक्सीजन है ठीक है ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है यह इसको अट्रैक्ट करेंगी जिससे यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी तो यह आय डाइपल फोर्सेस हैं तो ये आएगी इसकी फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रेशन ठीक है या फर्स्ट लेयर ऑफ हाइड्रेशन उसके बाद क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फर्दर और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं तो उसके बाहर एक और शेल बनेगी एक होगी सेकेंडरी हाइड्रेशन सेल या सेकेंड हाइड्रेशन शेल ठीक है तो प्राइमरी हाइड्रेशन शेल और सेकेंडरी हाइड्रेशन शेल इस तरह से यहाँ पर बनती अभी इस पॉजिटिव कैटायन का इस पूरे शेल से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है इसीलिए एन ए पॉजिटिव सीएल नेगेटिव वापस कंबाइन नहीं करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको बताऊं कि मैं एन ए सी एल टूटा ही क्यों अगर इतनी स्ट्रांग फोर्सेस थी वो देखिए इसलिए टूटा मानते हैं हम कि एन की लेटिस एनर्जी बहुत हाई होती है मतलब उसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है तो ये वैल्यू एनथेल्पी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस यहां पर दिखाया गया है तो एन सॉलिड था इसको तोड़ दिया हमने किस में तोड़ दिया एन पॉजिटिव गैसेस और सी नेगेटिव गैसेस में इसके लिए क्या एनर्जी लगी डेल्टा एच लेटेस एनर्जी ठीक है अब देखिए अब ये एन पॉजिटिव और सी नेगेटिव जो गैसेस में थे ये जब पानी के साथ हाइड्रेट होंगे तो ये बनाएंगे एनए पॉजिटिव एक्वस और सी एल नेगेटिव एक्वस और इस हाइड्रेशन में क्योंकि ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये बॉन्ड्स कैसे हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं आयन डाइपोल फोर्सिस तो हर बॉन्ड के बनने में कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो टोटल जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन तो डेल्टा एच हाइड्रेशन रिलीज हुई लेटिस एनर्जी देनी पड़ी थी ये एनर्जी रिलीज हुई तो ये इतना नीचे आ गया तो ये इन दोनों का डिफरेंस अभी भी डेल्टा एच कितना सोल्यूशन का थ्री पॉइंट नाइन किलो जूल पर मोल मतलब कि एक मोल एन ए सी एल को डिजोल्व करने के लिए आपको अभी भी थ्री पॉइंट नाइन किलो जूल देना पड़ेगा वो कौन देगा वो सिस्टम का जो अपना टेम्परेचर होता है थर्मल एनर्जी होती है पानी के में वो उससे उसको मिल जाएगा हाँ अगर आपका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है तब उसको डिजोल्व कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि तब उसको ये 3.9 किलो जूल पर मोल इजीली नहीं मिलेंगे पर थोड़ा सा भी गर्म पानी है रूम टेम्परेचर पे भी है तब भी उसको ये एनर्जी कोलिजन से या उसकी थर्मल एनर्जी से मिल जाएगी इसीलिए वो डिजॉल्व होगा ठीक है तो मान लीजिए पचास एनर्जी उसको तोड़ने में लग गई और फोर्टी एनर्जी उसकी हाइड्रेशन से निकल गई बाहर तो आपको बेसिकली कितनी देनी पड़ी दो ही तो एनर्जी देनी पड़ी तो यही मेन पॉइंट है दैट गवर्न्स कि कोई चीज सॉल्यूबल होगी या नहीं होगी ठीक है अगर 48 की जगह 52 बाहर निकलती तो तो आपको हर मोल के डिजोल्वन पे दो एनर्जी एक्स्ट्रा निकल रही है मतलब आपने पचास रुपए इन्वेस्ट कियावन रुपए मिल रहे हैं तो आप तो प्रॉफिट में आपकी तो एनर्जी जेब से लगी नहीं तो वो तो हमें हर केस में डिजोल्व हो जाएगा चाहे पानी ठंडा भी हो ठीक है तो ये है फैक्टर जो गन करते हैं सॉलिबिलिटी को तो अब देखिए अब जब मैंने आपको कहा कि आप ये पानी का ग्लास लेके इसमें डिजोल्व करेंगे एन हम करते गए करते गए करते गए हो गया लिमिट आ गई क्या लिमिट आई आ गई आपके पास 39 ग्राम की लिमिट आ गई ठीक है पर 100 एमएल तो मैंने 100 एम ही यहां पर पानी लिया था अब अगर मैं इसमें 39 ग्राम के बाद एक्स्ट्रा एन डालता हूं तो क्या वो डिजोल्व होगा अब आप बोलेंगे डिजोल्व नहीं होगा क्यों क्योंकि सैचुरेशन आ गई है बट मैं कहूंगा कि वो तो डिजोल्व होगा तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे आप तो अभी कुछ और बोल रहे थे तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने जो नया मान लीजिए दो ग्राम मैंने एक्स्ट्रा डाले ये डिजोल्व होंगे पर दो ग्राम इन थर्टी नाइन में से क्रिस्टलाइज कर जाएंगे मतलब जो आप नया डाल रहे हो वो तो ऑब्वियस ही बात है पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर पानी के साथ कोलाइड करके उसमें से डिजोल्व होगा पर क्योंकि 39 ग्राम पे इक्विलिब्रियम आ चुका था जो मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता था वो हो चुका था तो उसको इक्लिब्रम को मेंटेन रखने के लिए जो ऑलरेडी डिजोल्ड है उसमें से दो ग्राम को बॉटम पे प्रेसिपिटेट या क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा फिर अब ऐसा नहीं कि ये जो नए दो ग्राम थे ये हमेशा पानी में रहेंगे और ये दो ग्राम नीचे ही रहेंगे ये वापस क्योंकि कोलिजन तो लगातार हो रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्लिब्रम इज डायनेमिक तो ये दो ग्राम वापस डिजोल्व करेंगे और कोई और दो ग्राम बाहर आ जाएंगे तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है तो देखिए जैसे ये डायग्राम आपको दिया है तो ये आपके पास प्रेसिपिटेट का है ये एन का सॉलिड फॉर्म है देखिए एक सी नेगेटिव बाहर गया और ये वाला एक सी नेगेटिव अंदर आ गया मेंटेन हो गया वैसे ये एन ए पॉजिटिव ये जो एरो है ये इस एन ए पॉजिटिव को बता रहा है एक एन ए पॉजिटिव बाहर निकला तो एक एन ए पॉजिटिव अंदर आ गया तो ये पूरा सिस्टम मेंटेन रहता है इक्विलिब्रियम आने के बाद तो जो मैंने दो ग्राम एक्स्ट्रा डाले थे उनका क्या हुआ उनकी हुई डिजोल्यूशन और ये जो दो ग्राम बाहर निकले इनकी क्या हुई क्रिस्टलाइजेशन ठीक है तो ये प्रोसेस चलता रहेगा तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि यहां पर जो सिस्टम है जो सॉल्यूट था वो अनडिजॉल्व फॉर्म में भी है और फिर वो डिजॉल्व फॉर्म में भी है ठीक है ये जो बाहर पड़ा है यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो गया ये अनडिजोल्व है पर ये भी अंदर फिर से चला जा रहा है फिर से डिजोल्व हो जा रहा है और जो अंदर डिजोल्ड था वो बाहर आ जा रहा है क्रिस्टलाइज हो जा रहा है तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है कि सॉल्यूट जो अन था वो डिजोल्व होगा और जो डिजोल्व था वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो दिस इज द इक्विलिब्रियम तो सेचूरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि जिस पॉइंट पर मैंने कहा कि अब और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो पा रहा मैक्सिमम मैंने डिजोल्व कर दिया सॉल्यूबिलिटी की वैल्यू रीच हो गई है दैट इज सेच्युरेशन आ गई ठीक है तो दैचुरटेड सोल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम एंड कंटेन्स मैक्सिमम सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर कि इसमें अब इससे ज्यादा डिजोल्व ऑफ नहीं कर सकते ये आ गई इसकी लिमिट तो मान लीजिए कि मेरी लिमिट थी 39 ग्राम पे आ गई थी 39 ग्राम से पहले वो किस स्टेट में था अनसेचुरेटेड ठीक है नॉट एट इक्विलिब्रियम अब इसमें और डिजोल्व किया जा सकता है एंड कंटेन्स लेस देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ठीक है कि 39 ग्राम से भी कम है इसमें सुपर सेचुरेटेड क्या होता है हमने क्या किया देखिए 39 ग्राम मैंने डिजोल्व किया था किस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं क्या करता हूँ उसको 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूं अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस मैंने कर दिया और अब मैं चार ग्राम और डिजोल्व कर पा रहा हूँ ठीक है तो अब मैं अब मैंने कितने हो गए अब मैं चला गया 110 डिग्री सेल्सियस पे और चार ग्राम और हो गया अभी हो गया 43 थ्री ग्राम्स अब मैंने इसको बहुत स्लोली बहुत ही स्लोली ठंडा कर दिया वापस 100 डिग्री पे इतने स्लो किया कि सॉल्यूशन को भी पता नहीं लगा कि उसको ठंडा कर दिया गया तो उसका टेम्परेचर वापस हंड्रेड डिग्री चला गया पर क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लोली कैरी आउट किया गया था ये फोर्टी थ्री ग्राम एज इट इज डिजॉल्व स्टेट में ही रहे उनको पता ही नहीं लगा कि क्रिस्टलाइज हो जाना है ठीक है तो ये होता है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कि आप उसको गर्म करके थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दो और फिर उसको धीरे से ठंडा करके वापस पुराने टेम्परेचर पर ले आओ तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला था वो अभी सोल्यूबल ही रहेगा तो अब इस ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है ये अनस्टेबल है एंड कंटेन्स मोर देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ठीक है तो आप बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसको अनस्टेबल क्यों है अनस्टेबल इसलिए है कि अभी तो इन एक्स्ट्रा फोर ग्राम को पता ही नहीं है कि टेम्परेचर कम कर दिया गया है अगर आप इस सोल्यूशन को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा भी इसको आप झटका से देते हैं या टैप करते हैं उसके ग्लास पे बाहर या छोटा सा डस्ट का पार्टिकल या जो सॉल्यूट था सॉल्यूट का एक और पार्टिकल ऊपर से आपने डाल दिया उस डिस्टर्बेंस की वजह से इनको पता लग जाएगा और ये जो चार ग्राम एक्स्ट्रा डिजोल्व हुए थे ये वापस प्रेसिपिटेट कर जाएंगे या क्रिस्टलाइज कर जाएंगे और वापस वैल्यू आ जाएगी थर्टी नाइन ग्राम पे तो ये होता है काफी अनस्टेबल दैट इज कॉल्ड सुपर सेचरेटेड सोल्यूशन ठीक है तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी में फर्स्ट इज द पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एनएसीएल का एक बड़ा सा क्रिस्टल हो तो उसको आप पानी में डालें तो वो ज्यादा डिजोल्व होगा या एनए का पाउडर फॉर्म में तो आप बोलेंगे पाउडर फॉर्म में क्यों क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है ठीक है तो हम यहां बोलते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल्स डिजॉल्व फास्टर ड्यू टू ग्रेटर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कि उनका सरफेस ज्यादा होता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए ठीक है तो इसका मतलब वो कि उनकी सॉलिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होगी तो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है तो ये वही रीजन है कि आप जगह लकड़ी जलाने की कि ट्राई करते हो तो लकड़ी के छोटे छोटे पीसिस करते हो ताकि उनका सर्फेस एरिया बढ़ जाए और ज्यादा कॉन्टेक्ट में आए वो इसलिए रिएक्शन भी फास्ट हो तो वैसे ही पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही जल्दी वो उतने ही ज्यादा कोलिजन वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ करेगा और डिजोल्व होगा सेकेंड इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो यहां तो आप सीधा बोलते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक ठीक है कि आपने अल्कोहल को पानी में डाला तो वो तो काफी डिजोल्व हो गया पर आपने ऑयल को पानी में डाला बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हुआ तो क्यों डिफरेंस है सोलिबिलिटी में क्योंकि पानी और अल्कोहल दोनों लाइक like नेचर के हैं पोलर है पर अगर आप बेंजीन को डालते हो पानी में या ऑयल को डालते हो तो वो नॉन पोलर है पानी पोलर है तो लाइक डिजॉल्स लाइक तो किस सॉल्यूट को किस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी हैं या नहीं है क्या उनकी नेचर एक जैसी है या नहीं है ठीक है थर्ड इज टेम्परेचर अब टेम्परेचर का जो फैक्टर है इसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तो सॉलिबिलिटी बढ़नी ही चाहिए नहीं ये आप कभी नहीं बोल सकते आपको इसमें दो केसेस लेने पड़ेंगे केस वन देखिए होता क्या है हमारे पास सिस्टम है कि आपने सॉल्यूट लिया था फिर आपने सॉल्वेंट लिया दोनों को मिक्स करने पर क्या बना सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन फाइनली आ गया इक्वलीबिरियम पे सेचुरेटेड स्टेट में ठीक है अब एक पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन, पर इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट भी लगती है तो आप हीट दोगे रिएक्टेंट साइड पे तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में जाएगा लीच एटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट एड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा तो हीट यहां पर रिएक्टेंट की तरह काम कर रही है क्यों क्योंकि हीट कंज्यूम हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहां पर एज यू इंक्रीज टेंपरेचर रिएक्शन गोज फॉरवर्ड तो एंडोथर्मिक तो हमेशा टेंपरेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाते हैं तो फॉरवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज करेगी ठीक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो केस टू तो मैक्सिम केसेज आपको ऐसे ही मिलेंगे कि आप किसी चीज को अगर गर्म कर रहे हो तो उसमें सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी तो गर्म पानी में चीजें जल्दी डिजॉल्व होती हैं पर कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पर आपका सॉल्यूट और सॉलवेंट को एड करने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका रिएक्शन एक्जोथर्मिक है मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है वो हीट लेना नहीं चाहता हीट बाहर जा रही है तो अब अगर आप हीट डालोगे अब देखिए ये प्रोडक्ट साइड आ गया ना अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप हीट एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको एनर्जी दे रहे हो तो प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा ठीक है तो अब एज यू इंक्रीज टेम्परेचर रिएक्शन गोज बैकवर्ड तो बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन अलग हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है किसके साथ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी का टेंपरेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसका रिलेशन है डेल्टा एच के साथ तो जैसे जैसे डेल्टा एच वेरी करेगा वैसे ही सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेगी ठीक है तो इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए दिस इज द डायग्राम फॉर सोलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर तो देखिए एन एन थ्री का स्ट्रेट लाइन जा रहा है मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है के एन थ्री के लिए के के लिए एन के लिए के थ्री के लिए पर सीजियम सल्फेट के लिए ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि कुछ होंगे कंपाउंड बहुत कम होंगे चाहे बट स्टिल कुछ तो हो सकते हैं जहां पर का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो अगर आप जनरल बोल देंगे कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में तो वो करेक्ट है बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो गलत हो जाएगा तो इसलिए साइंस में हम कभी भी जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देते हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं कि ये पैरामीटर इस तरह से होगा तो इस पर ये इफेक्ट पड़ेगा ठीक है और नेक्स्ट जो इफेक्ट है देखिए हमने थ्री इफेक्ट्स किए फोर्थ इज प्रेशर तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे कि प्रेशर का गैसेस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो दिस इज स्टडीड अंडर हैंनरीज लॉ ठीक है कौन क्या स्टडी करते हैं हम कि प्रेशर का गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है दैट इज स्टडीड अंडर हैंनरीज लॉ तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start from the henry's law okay so i hope all the problems and the solubility concept is clear so you can again go through the concept and the problems before quitting okay so see you in the next lecture okay